स्वागत है नए दिन और नए व्लॉग। और क्या धूप निकली हुई। तो बस अभी तो जिम जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आज ज़रा कुछ जो मंडे टू मंडे सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक्स के आइडियाज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग तो डेली दिख जाता है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ टॉपिक्स और हो जाएं, है ना, क्योंकि वो कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो आते टाइम हेल्प करते हैं, जैसे बैंक कहाँ खुलवाना है, या एक मेरे दिमाग में है कि शायद डॉचलैंड टिकट का तो इससे पहले ही आ चुका होगा, या नहीं आएगा तो डाल दूंगा, और यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, मतलब ये तीन चार चीज़ें जो स्टार्टिंग में आई थिंक ज़रूरत पड़ती है, या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो बस इनको एक जगह नोट डाउन करना है, बाकी लेक्चर्स के काम है भाई। यार लेक्चर्स ना बने क्योंकि घूम तो लिए, लेकिन वही है कि असाइनमेंट सबमिट हो गया था टाइम पे, लेकिन नए असाइनमेंट की डेडलाइन आ चुकी है, संडे टू संडे रहती है, तो बस वो करनी है और आज लेक्चर नापने हैं। तो आज अपनी क्लासेस ज़्यादा नहीं है, तो जिम जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी जाके आज काम नापेंगे ज़रा, और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। बस ऊपर जा रहे हैं और अपना जाके कार्डियो चालू करेंगे, उसका डे वन है आज। आज ज़रा दूसरी मशीन है कार्डियो की, मैं ट्रेडमिल ही है पर अलग टाइप की है, यूजुअली हम बाकी दो में करते हैं पर कोई नहीं आज इसमें करेंगे। तो भाई इस वाले रूम पे आखिरी अपनी पुशअप्स टू प्लैंक या प्लैंक टू पुशअप्स वाली एक्सरसाइज तो हो गई, और बस अब नीचे जाते हैं। आज की डे वन की एक्सरसाइज हो गई, बस अब ज़रा देखते हैं, अगर सोना खुला होगा तो सोना जाते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे वापस। और एक्सरसाइजेस तो कंप्लीट हो गई आज की, लेकिन अब आज वैसे लेक्चर्स का काम रूम पे भी हो सकता है, बट यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा क्योंकि शायद वाईफाई की लिमिट एक्सीड हो गई है आज की, बट शायद वो आई क्लाउड पता नहीं बैकअप पे लग गया क्या हुआ, बट एनीवेज आज जो लेक्चर्स का काम है कंप्लीट करेंगे अभी यूनिवर्सिटी आके, थोड़ा सा रिलैक्स करके और नहा वहा के, क्योंकि आज वैसे भी मेंसा जाना ही है तो यूनिवर्सिटी में ही रहेंगे। और वह ये खत वाली गाड़ी भी आई हुई आज यहाँ। अब ज़रा जो ये मिरर है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसे खोलते हैं। और भाई मिरर की अनबॉक्सिंग तो हो गई, आगे दिखाता हूँ। और अब ज़रा तैयार वैयार होकर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और मेंसा में खाना खाते हैं, फिर आगे काम करेंगे। और हाँ मौसम बढ़िया हो रहा है वैसे, थोड़ा हवा चल रही है ठंडी हल्की सी, कल भी थोड़ी ठंड थी वैसे, पर हाँ आगे चलते हैं। तो भाई ये बना आज डोनर ब्रेड है और अपना चिकन, आई थिंक कोई डिप है, सूप है और सैलड टाइप का, तो खाते हैं इसे पहले तो, और आज थोड़ा साइड में बैठे हैं व्यू देखते हुए। तो यूनिवर्सिटी तो आ गए हैं और अब बस ज़रा लेक्चर के काम चालू करते हैं, और फिर उसके बाद मिलेंगे, पहले ज़रा लेक्चर्स के काम कर लेते हैं और उसके बाद ज़रा वीडियोज़ के ऊपर भी काम करना है। ज़रा कॉफ़ी पी लेते हैं, एक दो लेक्चर का काम तो निपट गया है, लेकिन अभी आगे थोड़ा और काम है। तो भाई लेक्चर तो कुछ देखे, लेकिन उसके बाद मन किया कि अब ज़रा वापस आते हैं, और आज ज़रा प्लान है मैसे प्लस जाने का, और दिखाते हैं कि क्या है मैसे प्लस, तो आगे देखो। तो भाई बस अब ज़रा निकल चुके हैं अपना मैसे प्लस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ फेयर टाइप का मेला टाइप का लगा हुआ है। तो अभी हम जो चारों फ्लैटमेट थे पहले के, इधर देख लो भाई, ज़रा थंबनेल में भी काम आ जाएगा, एक सेकंड, बस थंबनेल बन चुका है, और अब बस हम लोग बस पकड़ेंगे यूनिवर्सिटी। तो भाई स्टार्ट मेटा तो ऑलमोस्ट के स्टार्ट मेटा में ही खड़े हैं यहाँ, और बस अगली बस में तो थोड़े और टाइम में, तो सोचा भाई पैदल जाते हैं ज़रा मैसे प्लाट्स, क्योंकि मैसे प्लाट्स जो मैसे है ना उसका मतलब होता है एग्जीबिशन या फेयर, तो वहाँ पे अपना फेयर या जो मेला है वो लगा हुआ है, तो वहाँ जाके दिखाते हैं। तो यहाँ से आई थिंक 1.5 किलोमीटर है, तो 10-15 मिनट लगेगा, तो बस 10-15 मिनट में पहुँचते हैं ज़रा अपने मैसे प्लाट्स। ये अपना भाई केन लाउटन, क्योंकि यहीं से ही अभी हम आगे जा रहे हैं, सो हम ज़रा फ़ोन में ही लगा हुआ है, पर हम आगे चल के पहुँचेंगे अभी बस। भाई वैसे काफ़ी सुंदर जगह है यार, ये जो मछली है वैसे यहाँ का साइन है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है वैसे, बट एनीवेज अभी थोड़ा और चलना है। तो भाई हम लोग जस्ट अभी तेजस भाई भी अब साथ में हैं, तो बस अपने राइट साइड में मैसे प्लाट्स है तो पहुँच चुके, और कुछ राइड्स दिखाएंगे, मैं तो शायद ज़्यादा में नहीं बैठूंगा, पर दिखाऊंगा तो मैं सारी राइड्स ऑलमोस्ट, तो जाके देखते हैं, और मैं तो खा लूँगा थोड़ा बहुत कुछ। तो भाई वो सामने लगा हुआ है ये देखो, और आज ना फेमिलियन टैग है, तो जनता देखो कितनी सारी है,
काफ़ी सारी जनता आई है, क्योंकि आज जो राइड्स है ना वो 50% डिस्काउंट पे भी हैं। तो देखो भाई काफ़ी भीड़ रोड के उस पार। ये देखो भाई जैसे अपने यहाँ भी जैसे मेले लगते थे उसी टाइप का है, तो काफ़ी मेलों की याद आ गई है सब देख के, पर बढ़िया है। देखो भाई अब अंदर आ चुके हैं, अब ज़रा यहाँ का मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे राइट साइड में काफ़ी सारी खाने वाने के व्यंजनों की दुकानें, और लेफ्ट साइड में अपने कुछ गेम्स वगैरह हैं बच्चों के, और हम लोग भी मतलब खेलेंगे कुछ ना कुछ तो, पर बढ़िया लग रहा है देख के मज़ा। तो भाई अंदर तो एंटर कर चुके हैं, अब ज़रा आगे भीड़ का थोड़ा और मंजर दिखाता हूँ। ऐसी लाइन लगी हुई है ना आगे भीड़ की भाई साहब, ये देखो सामने भाई जनता। भाई क्या, ओ भाई साहब सामने राइड देखो भाई, ये देखो क्या उल्टी घूम रही है ये अपना जायंट व्हील। ओ भाई मास्क, बढ़िया बढ़िया राइड्स है वैसे आप भाई, ये देखो भाई। यहाँ पे अभी थोड़ा खाने वाने की दुकान पड़ी है और हम भी कुछ ब्रेड वगैरह ट्राई करेंगे, लेकिन भाई जनता बहुत है यहाँ पे आज। यहाँ पे ज़रा अपन ने हाफ मीटर ब्रैटवर्स्ट ऑर्डर किया है, तो अभी ब्रेड के साथ अपना सॉसेज आएगा तो बस वही लेते हैं। वैसे बढ़िया है, देख रहे हो सामने कैसे कितने लाइन से सॉसेज बन रहे हैं, एकदम बड़े बड़े भी और जिनको छोटे खाने उनके लिए छोटे भी। ये भाई यहाँ पे प्राइजेस लिखे रहते हैं इसके, हमने जो मंगाया वो हाफ मीटर ब्रैटवर्स्ट है तो उसका जैसे 6 यूरोस प्राइस है, तो देखो शायद यही वाला अपना होगा। ऑर्डर आ चुका है ये, अब इसे खाते हैं जल्दी से। ये देखो भाई क्या बढ़िया बढ़िया राइड्स हैं और यहाँ पे। तो भाई इन लोगों ने कुछ यहाँ पे व्हाट इज दिस स्ट्रूडल, व्हाट इज द नेम ऑफ इट स्ट्रूडल, ये चॉकलेट स्ट्रूडल है और ये वाइस चॉकलेट स्ट्रूडल है, तो बस इन्होंने यही ट्राई किया है। तो बस अपन ने तो भाई ब्रैटवर्स्ट ही लिया है तो अपने लिए यही ठीक है, बट एनीवेज बढ़िया है। और अब आगे यहाँ से राइड पे जाएंगे भाई, यहाँ पे थोड़ी पार्टी चल रही है और वो देखो भाई सामने राइड, ये वाओ कितनी ऊंची भाई एकदम। ये भाई थोड़ी एक्सचेंजिंग चल रही है इनके बीच में, ये चॉकलेट वाला है और ये वाइट चॉकलेट वाला, बस ये देखो भाई वाओ, ये देखो यार कंकाल पड़ा हुआ है, आवाज मेरी थोड़ी कम आ रही होगी लेकिन राइड्स देखो भाई एक से एक मस्त वाओ। एक से एक राइड जैसे ये वाली, ये देखो मस्त पानी वाटर टाइप की कोई स्लाइड है वैसे यहाँ पे, पर अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हम अभी एक दूसरी टाइप की स्लाइड ट्राई करने वाले हैं। तो भाई ये दो टिकट लिए हैं अभी हमने और अभी हम में से दो लोग ये ट्राई करने वाले हैं, और भाई अभी हम दोनों ये ट्राई करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू ट्राई दिस वन, आई शो मैं दिखाता हूँ। ये एयर कंट्रोल भाई, ये देखो इतनी हाइट पे ऊपर अभी जाने वाले हैं यहाँ पे भाई, बस ऊपर जाने वाले हैं और अभी थोड़ा पीछे से ऊपर दिखा दो कितनी ऊपर, वो देखो भाई यहाँ से शुरू होती है और ये वो देखो ऊपर भाई, ये राइड नीचे आ चुकी है, बस अपनी बारी आ ही गई है, ऑलमोस्ट यहीं अपन जाके बैठने वाले हैं, चालू होने वाले हैं और यहाँ पे बैठ चुके हैं अभी और ऊपर जाएंगे। भाई जा रहे हैं ऊपर और अब फोन रख देता हूँ अंदर।
भाई राइड से वापस आ चुके हैं और भाई मजा ही आ गया। अभी दिखाता हूँ, देखा होगा पीछे क्लिप में। पर भाई राइड ट्राई करके तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। इतनी ऊंची गई, कसम से मैं जायंट व्हील में जाने को कह रहा था, लेकिन ये जायंट व्हील से भी ज्यादा ऊंची गई। तो भाई मतलब क्या बताऊं, तीन राउंड घूमी यार। पहले सबसे ऊपर एकदम टेढ़ी होके घूमी, फिर थोड़ा सा नीचे आके, फिर एकदम नीचे आके। तो भाई लेकिन मजा आया, सच बता रहा हूँ, मजा ही आ गया। अच्छा वो फोन नहीं निकाला, मैं सोचा पहले फोन निकाल के रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन भाई गिर जाता पक्का, टूट जाता फोन। तो भाई लेकिन मजा आया, पहली बार भाई इतनी ऊंची राइड ट्राई करी, पर सही है। अब जरा और देख, घूम रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। अच्छा ये तो शायद दिखा दिया फिर से वाटर वाला, और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये भाई जरा यहाँ खान पान की दुकान है, और बस अभी तो यहीं से ही अपन आए थे, बस थोड़ा चक्कर काट रहे हैं, जरा देखते हैं और किस जगह क्या क्या है। भाई ये राइड देखो जरा, कसम से अगर ज्यादा खा के आए हो ना तो सारा खाना बाहर आ जाए इस राइड में। ये देखो भाई साहब, और इसके पीछे अपना जायंट भी, और भाई ये वाली भाई साहब, एक ये भी है भाई, यहाँ पे जरा अंदर जाके खा पी सकते हैं, और यहाँ पे बाकी अपनी राइड तो चली रही है। तो वैसे खाने पीने का अच्छा माहौल है यहाँ पे, और राइड तो है भाई, लेकिन ज्यादा मत खाओ पियो, नहीं तो बस जरा खाना वाना सब बाहर ही आ जाए ज्यादा पेला तो। ये भाई अलग अलग जैसे ग्रिल हट टाइप का है, इसमें ग्रिल खाना वाना अगर किसी को खाना तो मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आइसक्रीम्स तो हर टाइप की रहती हैं। तो खाने के कई सारे व्यंजन है, लेकिन एक जो बढ़िया चीज और मेरे को लगी वो ये है, स्पाइरल पोटैटो। ये देखो स्पाइरल पोटैटो भी मिलता है, तो बढ़िया है, ले लो और पे लो। और भाई तेजस भाई भी आ चुके हैं मैदान में, अभी राइड वाइड करके आए। कौन सी राइड करके आए? बड़ी वाली एकदम 360 भाई, 360 डिग्री राइड करके आए भाई अपना मजे लेके एकदम। तो बस यही है भाई, सारे लोग मजे ले रहे हैं। और भाई मैं पता है किसमें गया अभी, अरे यार वो ऊपर दिख नहीं रही, वो ऊपर जाके स्विंग नहीं होती भाई, वो भी अच्छी है भाई, अच्छी है। तीन बार उसने हवा में घुमाया पहले ऊपर भाई टेढ़ा करके, मैं सोचा फोन बाहर निकालू भाई, मैंने अंदर रखा, बच गया सही वाइज डिसीजन। तो भाई बस यही है, और अब चल रहे हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा। तो भाई ये देखो यहाँ पे घोड़े भी, घोड़े की भी राइड कर रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, घोड़ों की भी यार राइड होती है, बढ़िया है छोटे बच्चों के लिए, ट्रेनिंग है यहाँ पे, बस घोड़ों पे बैठो और राइड करो अपनी। और भाई वो देखो जिस राइड पे भाई होके आया भाई, सही में अचीवमेंट हो गया ये तो। भाई ये देखो भाई राइड, शिट मैन भाई, अगर कोई मेरे को पैसे भी देगा ना तो इस राइड में तो मैं नहीं जाने वाला। भाई ये देखो भाई राइड, भाई साहब। तो भाई ये देखो, मैं पहली बार यहाँ के नूडल्स देख रहा हूँ भाई, और वो भी पतले वाले थाई नूडल्स का, थाई में माइन थाई। तो भाई राइट साइड में अपनी ट्रेन दिख रही होगी, तो ये अभी हम चल चल के ही बस मैसे प्लाट से वापस जा रहे हैं कुछ माकर। तो बस अब, पर मज़ा आया काफ़ी अच्छा था, बस अब वापस लौट रहे हैं। तो भाई वापस तो आ गए, और बड़ा मज़ा आया आज तो, वैसे तो हर दिन ही आता है, पर आज भाई पहली बार, कसम से पहली बार आज वो राइड ट्राई की। और मैं पहले सोच रहा था ना जायंट व्हील में जाएंगे, कि जायंट व्हील यार थोड़ा अच्छा व्यू दिखेगा, पर इससे जो व्यू दिखा ना ऊपर से भाई, ये जायंट व्हील की भी ऊपर हाइट का था यार। पर भाई सही में बहुत ही सही व्यू दिखा, और क्योंकि जब वो झूल रहा था ऐसे तो राइट साइड में पहाड़ थे और लेफ्ट साइड में सनसेट ही हो रहा था उस टाइम, तो बढ़िया था एकदम, मज़ा आया यार कितनी हाइट पे। और वो अच्छा हुआ कैमरा नहीं निकाला, नहीं पक्का टूट जाता, पर सही घूम रहा था, और टिल्ट भी हो गया था काफ़ी, और स्पीड भी आ गई थी थोड़ी, पर बढ़िया था, तो अच्छा था फेयर। आई होप देख के मज़ा आया होगा, मुझे तो आया आज मज़ा। और बस अब कल मिलते हैं
नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो बाकी तो बताइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो कर दो भाई। और चलो बाय बाय।